subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan, 11th English. इसकी ये थर्ड पोएम है 2.3 देयर इज़ अनदर स्काई. इसे लिखा है एमिली डिकिंसन ने. इसे पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय अनदर स्काई? अनदर स्काई का मतलब क्या होता है? अनदर स्काई जो है ये एक यानी हमारे ज़िंदगी में कितनी लाम उतना ही सिलसिले चले आते हैं उसको बयान किया गया है. अब ये जो पोएम है ये एक सोनेट है, ये जिसे एमिली डिकिंसन ने लिखा है. यानी हमारे लिए जो खुरा पूरा ज़माना है ये किस तरीके से हमारे लिए राहें मुतय्यन करता है. एमिली डिकिंसन 1830 to 1886, ये 1830 में पैदा हुए और 1886 में इनका इंतकाल हुआ. इज़ एन अमेरिकन पोइट ऑफ द 19th सेंचुरी. शी लिव्ड अ लोनली लाइफ. वो अमेरिकन पोइट है 19th सेंचुरी की और उन्होंने अकेली ज़िंदगी गुजारी. मोस्ट ऑफ़ हर पोएम्स आर मोटिवेशनल एंड फिलोसफिकल. एमिली डिकिंसन की बहुत सारी जो पोएम्स है वो मोटिवेशनल है, यानी हौसला बढ़ाने वाली है और फलसफे का वो बैकग्राउंड रखती है. दे आर यूनिक टू हर एरा एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सिंपल एंड शॉर्ट लाइंस. ये यूनिक है उनके ज़माने की और वो छोटी छोटी लाइंस लिखती है. शी ऑफन यूज्ड स्लैंट राइम्स एंड अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन. उन्होंने अक्सर स्लैंट राइम्स और कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया है. हर पोएम्स आर द साम्स एंड हाइम्स ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स शेड्स. और उनकी जो पोएम्स है, कहानियाँ हैं, वो ज़िंदगी की जो खूबियाँ है उसे बयान करती है, उसकी गहराइयों को बयान करती है. देयर इज़ अनदर स्काई इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम विद अ मैसेज ऑफ नेवर से डाई. देयर इज़ अनदर स्काई जो है ये किस्म की पुर असर पोएम है जिसमें एक मैसेज दिया गया है कि कभी आपने अलविदा नहीं कहना, कभी हार नहीं मानना. इट इज़ अ पेट्रार्चियन सोनेट विद एन ऑक्टेव एंड सेट. ये जो है एक सोनेट है और इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एक किस्म के मुसम्मन के तर्ज रविश का इस्तेमाल किया गया है जिसमें सेट भी बयान किए गए हैं. द पोएट इज़ कम्युनिकेटिंग टू हर ब्रदर थ्रू अ लेटर. जो पोएटेस है वो अपने ब्रदर से कम्युनिकेट कर रही है. शी एनकरेजेस हर ब्रदर नॉट टू गेट डिप्रेस्ड अंडर एनी सरकमस्टांसेस एंड प्लीज टू हिम टू रिटर्न होम. और वो अपने दोस्त को, अपने भाई को कहते हैं कि कभी उन्होंने डिप्रेस नहीं होना है, हालात से हार नहीं मानना है और मुकाबला करना है. दरख्वास्त करती है कि वो वापस घर आ जाए. लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, वन कैन टैकल द चैलेंज विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. ज़िंदगी मसाइल से भरी है और आपको उसे मुस्बत तरीके रवि से सोचना चाहिए. द पोएम एंड्स ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट. ये जो नज़म है ये एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ख़त्म होती है. द ब्राइटर गार्डन स्टैंड्स फॉर चॉइसेस दैट आर लाइफ ऑफर्स टू ऑल. जो ब्राइटर गार्डन है वो बयान करते हैं कि ये एक किस्म की आपके पास चॉइस आ जाती है जिसे आप समझ सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट्स बिगिन. ये नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली नज़म है. देयर इज़ अनदर स्काई. देयर इज़ अनदर स्काई यानी कि दूसरा आसमान भी है. अनदर स्काई मीन्स अनदर काइंड ऑफ एटमॉस्फियर कंडीशन डिफरेंट फ्रॉम सम अदर प्लेस. यानी अनदर स्काई क्या है? ये अनदर काइंड ऑफ एटमॉस्फियर और कंडीशन की बात करती है. एवर सेरेन एंड फेयर, सेरेन पीसफुल एंड काम. यानी वो बहुत ही अमन भरा और साफ सुथरा मौसम होगा. एंड देयर इज़ अनदर सनशाइन दो इट बी डार्कनेस देयर. वहाँ पर दूसरी रोशनी होगी हालांकि वहाँ अंधेरा भी होता है दूसरे ही किस्म का. नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट्स ऑस्टिन. नेवर माइंड बिल्कुल भी आपने बुरा नहीं मानना चाहिए. फेडेड फॉरेस्ट मुरझा जाने वाले या कुमला जाने वाले जो दरख्त है या जंगल है वो आपसे दूर हो रहे हैं. ऑस्टिन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टिन? नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट्स ऑस्टिन, नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स. अब ये ऑस्टिन जो है एमिली डिकिंसन के यंगर ब्रदर का नाम है जो जिसे वो ख़त लिख रही है और बुला रही है.
Though it be darkness, there never mind fortified forests or steen, never mind silent fields. Silent fields क्या होती है? Silent fields का मतलब होता है कि जो खेत खलियान है वो सब के सब साफ हो गए हैं, खामोश हो गए हैं. अब ये fading और unfading, unfading bright and colorful, fading यानी धुंधला है. अब यहाँ पर एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं यानी जिसके लिए आप कुमला जाना कहते हैं. Here is a little forest whose leaf is evergreen. यहाँ पर एक छोटा सा जंगल है जिसके सरसब्ज़ शादाब पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं. Whose leaf is green, evergreen. Here is a brighter garden where not a frost has been. What do you mean by frost? Frost, a thin layer of ice which forms on the ground and other surfaces when the temperature is below zero. यानी जब टेम्परेचर ज़ीरो से नीचे चला जाएगा, सिफर से कम हो जाएगा, तो तब जो है वहाँ पर जो कैफियत बनती है, जो बर्फ़ जमती है, उसे फ्रॉस्ट कहते हैं. इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स, ना कुमला जाने वाले, कभी हमेशा रोशन रहने वाले और रंग बिरंगे रहने वाले फूलों की तरह. आई हियर द ब्राइट बी हम, और मैंने ब्राइट बी हम, यह हम हमिंग ऑफ बीज यानी शहद की मक्खियों का भिन भिनाना. ब्राइट रोशन किस्म की जो हमिंग बी होती है शहद की मक्खी, उसे एमिली डिकिंसन कहती है कि मैंने सुना है. आई हियर द ब्राइट बी हम, यहाँ पर ऑनोमेटोपोया इस्तेमाल किया गया है. प्राइथी माई ब्रदर इन टू माई गार्डन कम. प्राइथी ये ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है. इसकी मीनिंग है आई प्रे दी, यानी मैं दुआ करती हूँ या मैं इल्तिजा करती हूँ, दुआ मांगती हूँ. प्राइथी माई ब्रदर इन टू माई गार्डन कम. वो कहती है कि मेरे भाई, मैं दुआ करती हूँ तुम आ जाओ, वापस आ जाओ. इसमें सैड मोमेंट्स एंड ग्लूमी मोमेंट जो है एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वो इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि डार्कनेस, फेडेड, डल, साइलेंट. और द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ क्या है? ब्राइटर गार्डन, अनफेडिंग फ्लावर्स, हम ऑफ ब्राइट बी, ये तीन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.